और चढ़ने के बाद है शायद वो लोग वहाँ पे मिलेंगे, तो चलते हैं वहाँ पे और ऐसा ही रहे। और ये क्रेटा वाला क्या कर रहा है भाई? अरे अरे भाई भाई कैसे ब्रेक ब्रेक हेलो गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का पिस्टन नेशन में और शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। और अभी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ बता दूँ क्या? चलो बता देते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वाटर पार्क, जबकि भाई मेरी आवाज़ से आपको क्या पता लग जाए कि मेरे को ज़ुकाम खांसी सब हो रहा है। बाकी कवर करते हैं, ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं बदरपुर बॉर्डर पे, क्योंकि मैंने बोला था मैं इंजन ऑयल चेंज करा के आऊँगा, मेरे को लग जाएगा टाइम। तो इंजन ऑयल तो चेंज हो लिया है, अब अपना चलते हैं आराम से हम। ये आराम से तो नहीं लग रहा है मेरे को किसी भी एंगल से। बाकी कोई नहीं, जल्दी तो पहुंचना ही है। और लोकेशन मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो हम जा रहे हैं वर्ल्ड्स ऑफ वंडर नोएडा। तो यहाँ से हमें मुश्किल से लगेंगे 45 मिनट्स वहाँ पे पहुँचने में। और अगर हमें नोएडा में कलंदी कुंज एक जगह है वहाँ पे अगर जाम नहीं मिला तो हम पहुँच जाएंगे 45 मिनट्स में, अगर वहाँ पे ट्रैफिक हुआ। वैसे ट्रैफिक वाला भी पी कार्स तो है नहीं, पी कार्स चले गए। अगर वहाँ पे ट्रैफिक हुआ भी तो भी हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, एक घंटा लगेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलो आप लोग। भाई थोड़ी खांसी आ रही है तो इस चीज़ को माइंड मत करना, मेरे को खांसी जुकाम है ऑलरेडी, मैंने भूल दिया, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। और ये देखो ये सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो भाई यहाँ पे काम करता है आपका ब्रेन कि वो कितना रिस्पॉन्सिव है। और भाई बाइक चलाने में भी ना बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि हमें सिर्फ इस पर बैठना है और कंट्रोल हमारा हाथ पैर, बस कोई जान नहीं लगानी है, पर जो माइंड से फोकस होता है ना सारी एनर्जी वहाँ चली जाती है। तो भाई फ़ोन बजना स्टार्ट हो गए हैं और मेरे को जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो गया उन लोगों को खड़े हुए, तो ऐसे वेट कराना अच्छा भी नहीं लगता। तो जल्दी पहुंचते हैं भाई। आपने बहुत कम ही लोग देखे होंगे भाई जब मार्च के टाइम पर वाटर पार्क जा रहे हैं, हमारा ग्रुप उनमें से ही है एक। और प्लान था हमारा 1 अप्रैल के आसपास, पर वो चेंज होके हो गया। आज है 23 मार्च, और जैसे कि अगर आप लोग दिल्ली NCR से, मैक्सिमम दिल्ली NCR से ही हैं, तो आपको मौसम पता होगा क्या मौसम चल रहा था पिछले 2-3 दिन से। मतलब लोगों ने सर्दी के कपड़े भाई पैक कर दिए होंगे और फिर से निकालने पड़ गए सबको, तो कुछ ऐसा हाल है। बाकी थोड़ी किस्मत हमारी साथ दे गई जो कि आज हमें मौसम एकदम क्लियर है और ऐसा ही रहे। और ये क्रेटा वाला क्या कर रहा है भाई? शॉप बनाए फिर रहा है, शॉप तो खैर हम भी बनाए फिर रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ज़्यादा, थोड़ा आराम से, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। आज के ब्लॉग में मज़ा तो आने वाला है आप लोगों को काफ़ी, क्योंकि मेरे ख्याल से हाइपर राइड मिलेगी आपको ज़्यादातर। और आगे यार ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को, बस ऐसी चलता रहे, कहीं रुके ना भी इसमें, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। अरे चलो यार खाली पड़ा है। तो गाइस वी हैव रीच सराय टोल प्लाजा और यहीं कहीं हैं वो लोग, फ्लाईओवर चढ़ने के बाद है शायद वो लोग, वहाँ पे मिलेंगे, तो चलते हैं वहाँ पे। फ्लाईओवर के ऊपर हैं और हमें भी फ्लाईओवर के ऊपर से ही जाना है ऑलरेडी। ये रहे लौंडे,
भाई सब लोग मिल चुके हैं, ये रहा पवन, ये रहा नमन और ये रहा कपिल, तो सात लोग जा रहे हैं हम। और अब यहाँ से स्लो स्लो चलेंगे, पीछे से तो काफ़ी भगाली देख ही लिया हो आपने ऑलरेडी, तो यहाँ से चलते हैं आराम से क्रूज़ करते हुए बढ़िया। और वाटर पार्क भाई, पानी ठंडा ना हो, और पानी हुआ ठंडा तो हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, पानी तो ठंडा ही होगा ऑफकोर्स। ये देखो भाई, उतारू क्या गेयर, उतारू क्या, नहीं नहीं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जान दो कोई बात नहीं। लो जी ये एरिया तो पूरा पैक पड़ा है, सुपरनोवा के दर्शन कर लो। ये देखो अब दिख रही होगी, पहले नहीं दिख रही, अभी भी फॉग फॉग दिख रहा है। बढ़िया लगी हुई भाई, घड़ी खरीद लो, 150 रुपये, 150 रुपये, ठीक है समरिया। ओ अच्छा चेकिंग चल रही है भाई, धर लिया भाई, अब तो गया ख़त्म, टाटा गुड बाय, गया। यहाँ से मुश्किल से भाई 3 से 4 किलोमीटर रह गया, वो सामने बिल्डिंग देख रही है बड़ी वाली, जस्ट उसी के थोड़ा सा नियर बाय है, तो पहुँचते हैं। और वहाँ पे भाई इतने गेट है ना, एक तो एंट्री के भाई गेट देख के चक्कर खा जाओगे, एक गाड़ी का, एक एसयूवी का, एक सिडान का, पता नहीं किस तरीके से हिसाब बनाया हुआ है इन्होंने। भाई क्या हो गया, गिरा हुआ है क्या कोई, नहीं भाई पैदल चल रहा है, मेरे को नीचे ऐसे लगा जैसे गिरा हुआ है। तो गाइस अपने लेफ्ट में आ गया है DLF नोएडा, और राइट में पड़ेगा अपना वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। तो यहाँ से ना हमें ऊपर से यू टर्न मारना है, तो पहले लेफ्ट हो जाते हैं और सीधा चलते हैं, यहाँ से मारेंगे हम यू टर्न। रास्ता तो शायद आगे से भी है, पर भाई क्यों रिस्क लेना, अगर आगे से बंद हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो यहीं से चलते हैं। लेफ्ट में ही हो गई DLF की एंट्री अपनी, और यहाँ से सीधा जाएंगे। तो गाइस अगर आप यहाँ पे मेट्रो से आना चाहते हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नोएडा सेक्टर 18। नोएडा सेक्टर 18 से उतर के आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल भी आप आराम से आ सकते हो, मतलब पैदल मेट्रो से भी आप आराम से आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। और बाकी अपना व्हीकल हो तो बात ही अलग है। ये ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल, जस्ट इसके पीछे वॉल्स ऑफ वंडर ही है। और अब देखते हैं कौन से गेट से एंट्री करनी होगी, ये देखना पड़ेगा। गेट नंबर 10 भी नो एंट्री, और गेट नंबर 11 से एंट्री। एंटरटेनमेंट सिटी, ये लो जी यहाँ पे हमारी कटेगी पर्ची। चारों की काट दो, चलो भाई पार्किंग में लगाओ। अरे अरे भाई भाई कैसे, ब्रेक ब्रेक, लो भाई पर्ची वर्ची भी कटा ली, पर्ची क्या पूरा चिट्ठा मिल गया है। तो और अब लगा देते हैं पहले हम अपनी बाइक पार्किंग में, ये देखो वाव लिखा हुआ है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। बैग चेक कराने भाई, अब देखो बैंड तो बन गया है और यहाँ स्नैप बन रही है अभी देखो। पहले एक मिनट रुक, लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई। तो भाई एंट्री हो गई है, ये टिकट आपने देख ली, और ये अपना ग्रुप है पूरा भाई। ये है लॉकर काउंटर, यहाँ से लॉकर मिलता है, और ये इसकी मुंडी बीच में आ रही है, हमारी फुटेज ख़राब कर रहा है मुंडी पास, और इन्फॉर्मेशन ये देखो लिखी हुई है सारी। तो भाई एंट्री ले लिया वाटर पार्क में, और ये देखो
यहाँ से बीकना स्टार्ट हो जाएगा रेन डांस। हाँ नाच ले, तू नाच ले पहले। तो भाई देखो ये कुछ नजारे अंदर के, पता नहीं आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, ये देखो लेजी रिवर में तैर रहे हैं लेजी की तरह, ये देखो पूरी पलटन आ रही है साथ में। अरे चिल्ला क्यों रहा है, अरे 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 पलटन लगी नहीं हो रही, वो तो पलट गया, ओ भाई पलट गया। मैंने तो शुरुआत में कर दिया था।